नमस्कार, आप बिहार इंसॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। अब बिहार के जितने भी अतिथि शिक्षक हैं उन्हें हटाया जाएगा। जो यहां आपको बता दें कि अतिथि शिक्षक वो होते हैं जहां पे शिक्षकों की कमी होती है वहां पे उन्हें नियुक्त किया जाता है ताकि वो बच्चों का पठन पाठन जो है वो बाधित ना हो सके। और इसी को देखते हुए अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की गई थी। और अब जो है बीपीएससी के माध्यम से बिहार में जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनके आने के बाद अब अतिथि शिक्षकों को हटा दिया जाएगा, जिसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। जी आपको बता दें कि बिहार में जितने भी प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में अतिथि शिक्षक हैं उन्हें अब हटाने के लिए विभाग की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि जहां नवनियुक्त शिक्षकों ने योगदान दिया है उन स्कूलों से अतिथि शिक्षकों को हटाने का आदेश जारी किया गया है। कई स्कूलों से अतिथि शिक्षकों को भी हटा दिया गया है। साथ ही एजेंसी के माध्यम से लिए टेक्निकल फैकल्टी को भी हटाया जा रहा है। इन्हें सितंबर में ही रखा गया था। देखिए, जो भी टेक्निकल फैकल्टी रखे गए थे, यानी कि अगर आपके पास लैब में टेक्निकल टीचर नहीं है तो उसको जो है एजेंसी के माध्यम से रखा गया था, उन्हें भी अब हटाया जा रहा है। क्योंकि 120,000 शिक्षक जो है वो नियुक्त हो चुके हैं बिहार में, और दूसरे चरण में भी 120,000 के लगभग ही शिक्षकों की नियुक्ति होगी। दूसरे चरण की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि अब बात करते हैं अतिथि शिक्षक के बारे में, जिनको अब हटाया जा रहा है। अतिथि शिक्षकों और एजेंसी के माध्यम से कार्यरत टेक्निकल फैकल्टी को हटाने से संबंधित शिक्षा विभाग ने आदेश के बाद जिला शिक्षा कार्यालय में पत्र जारी कर दिया है। बता दें कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए वर्ष 2018 में राज्य भर में 5,440 अतिथि शिक्षकों को रखा गया था। जिलावार स्कूलों की सूची जारी की गई थी। इन स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की कमी थी, वहां पर संबंधित विषय के अतिथि शिक्षक रखे गए थे। पटना जिला की बात करें तो कुल 243 अतिथि शिक्षकों को हटाए जाने का आदेश दिया गया है। इसके बाद आपको बता दें कि सभी जिले के राजकीयकृत प्रोजेक्ट उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्यों को पत्र लिखा गया है। पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया है कि जिन विषयों में नवनियुक्त शिक्षकों का योगदान हो गया है, नियमावली के अनुसार संबंधित विषय के अतिथि शिक्षक जो हैं उन्हें हटाए जाए। तो जितने भी अतिथि शिक्षक हैं अब उन्हें हटाया जाएगा, क्योंकि जो शिक्षकों की कमियां थी वो अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। पहले चरण में 120,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, दूसरे चरण की प्रक्रिया चल रही है। तो करीब 2,00,000 से ज़्यादा शिक्षक अब बीपीएससी के द्वारा आ जाएंगे। तो अतिथि शिक्षकों को अब हटाने का आदेश जो है शिक्षा विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। और ये काम जो है टेक्निकल फैकल्टी को भी सितंबर से ही हटाया जा रहा है। और तमाम चीज़ों को लेकर जो है बिहार के सभी जिलों के जिला अधिकारी को आदेश जारी किया गया शिक्षा विभाग की ओर से कि जहां जहां नवनियुक्त शिक्षक उस विषय के आ गए हैं उन अतिथि शिक्षकों को हटा दिया जाए। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।